ठंडी हवाएं और बादलों भरा आसमान, हॉट जून में लाहौर पर बहार उतर आई। आइंदा 24 घंटों में वक्फे वक्फे से मजीद बारिश की पेशगोई। मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाकों में पानी जमा होने का खदशा। रवा मानसून 10% ज्यादा बारिशों की वार्निंग। नशेबी इलाकों में सैलाब खदशात के बावजूद शहरी इदारे सुस्ती का शिकार। लॉरेंस रोड पर 13 लाख गैलन बारिशी पानी के गुंजाइश वाले टैंक की तामीर डेडलाइन गुजरने के बावजूद नामुकम्मल। MD वासा की तंबीह के बावजूद तामीराती काम की जल्द तकमील खारिज अज़िम्कान। बारिशों के दौरान नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खतरा। ज़िले हुकूमत के सस्ती चीनी के लिए जुर्माने। एहतजाजन डीलर्स ने मिलों से खरीदारी, दुकानदारों ने फरोख्त रोक दी। आम बाजारों के साथ साथ यूटिलिटी स्टोर से भी चीनी गायब। किल्लत की शिकायत में इजाफा, नया बहरान सर उठाने लगा। वजीर आला की ज़ेर सदारत महंगाई और ज़खीरा अंदोजी के सदेबाब के लिए महकमों की कारकर्दगी का जायजा। बर वक्त इकदाम न करने पर वजीर आला बरहम। ईद उल अजहा पर मवेशी मंडियों का क्याम ताखीर का शिकार। महकमे बल्दियात ने कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनियों से यकम जुलाई तक हिकमत अमली रिपोर्ट मांग ली। रवां साल कुर्बानी के जानवरों पर एंट्री फीस लागू करने की तजवीज़। छोटे जानवर पर 100 और बड़े जानवरों पर 500 रुपए वसूल किए जाएंगे। बाघा जोन में अंधेर नगरी। 141 मेगा कमर्शियल और इंडस्ट्रियल तामीरात के गैर कानूनी होने का इंकशाफ। बल्दिया को 10 करोड़ का नुकसान। करप्शन की बहती गंगा में हाथ धोने वालों में मेट्रोपॉलिटन अफसर से लेकर स्टोर कीपर और नायब कासिद तक शामिल। तहकीकाती रिपोर्ट कमिश्नर के हवाले। रेलवे में जालसाज अफसर रिटायरमेंट के बावजूद ओहदे पर बराजमान। ज्वाइंट डायरेक्टर सिग्नल एंड टेलीकॉम एजाज अहमद नसीम के तारीख पैदाइश तब्दील कराने का इंकशाफ। पर्सनल ब्रांच से तालीमी असनाद और कागजात भी गायब हो गए। जालसाजी से महकमे को महाना 1,64,000 महाना नुकसान। कोरोना वबा से 100 इंसाफ स्कूलों का मंसूबा भी लटक गया। 21 करोड़ रुपए की लागत से किराए की इमारतों में स्कूल कायम किए जाने के लिए नए सिरे से टेंडर जारी करने का ऐलान। लेस्को का नए माली साल तरक्याती कामों के लिए 8 अरब का बजट मंजूर। माली साल 2020-21 में सिस्टम की अपग्रेडेशन, नए कनेक्शन की फराहमी, ट्रांसफार्मर्स, सिंगल 3 फेज मीटर्स पावर ट्रांसफार्मर्स, पोल्स, कंडक्टर्स और केबल की खरीदारी के लिए रकम मुख्तस की गई है। स्मार्ट लॉकडाउन की हुकूमती नाअहली का मुंह बोलता सबूत। लाहौर खुला छोड़कर 40 इलाके सील कर दिए गए। 14 रोज के दौरान बंद इलाकों में 1,973 केसेस। बाकी लाहौर में 16,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का इजाफा। कोरोना से मुतासिरा 40 हॉटस्पॉट इलाकों की सख्त नाकाबंदी। मुतलिका इलाकों में दफातर, दुकानें, बाजार और फैक्ट्रीज बंद। पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम से शहरियों को आगाही की फराहमी और इंतजामिया से तआवुन की अपील। क्राउन अड्डा से दहली गेट का इलाका कोरोना से मुतासिर। अकबरी मंडी जाने वाले रास्ते बंद हो गए। ताजरों की रास्ता न खोलने पर कल से मंडी बंद करने की धमकी। कोरोना के मरीजों में इजाफे का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 1,107 नए केसेज रिपोर्ट। शहर में मुतासिर अफराद 36,689 हो गए। लाहौर पुलिस के 352 और वाबडा के 251 अफसरान और अहलकार भी वबा से मुतासिर। पंजाब में मजमू तौर पर 72,000 के करीब पॉजिटिव केसेज, 21,000 से ज्यादा सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना के तशवीशनाक मरीजों को म्यू सर्विसेज और गंगाराम अस्पताल जाने का मशवरा। जनरल अस्पताल PKLI और जिना अस्पताल के HDU फुल हो गए। लॉकडाउन और पुलिस के पहरे धरे के धरे रह गए। डिफेंसी के इलाके में बड़ी चोरी। 8 साल से बतौर अकाउंटेंट काम करने वाला मुलाजिम कियानी स्टेट से 4,75,00,000 ले उड़ा। चोर मुलाजिम अहलकारों की आंखों में धूल झोंक कर रकम शॉपर में डालकर बआसानी नाकों से गुजर गया। हिदायत। जिनसी ज्यादती के मुकदमात की तफ्तीश के लिए 15 रहनुमा असूल मुरतब। हाईकोर्ट का शवाहिद के लिए फॉरेंसिक एजेंसी की किट्स इस्तेमाल करने। कपड़ों और पारचा जात को लिफाफों में सील करने।
शवाहिद की तफसील मेडिको लीगल रिपोर्ट में दर्ज करने का हुक्म। मेडिको लीगल अफसर के लिए जिंसी हमले की नौयत और वक्त की जानकारी, मुतासिरा फर्द की जिस्मानी कैफियत का जायजा भी अहम करा दिया। जिंसी ज्यादती के मुल्जिम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करते हुए अदालत का मुतासिरा फर्द के बयान में तमाम तर एहतियात लाजिम रखने और फिंगरप्रिंट्स की अहमियत पर भी जोर। रिंग रोड सदर लूप 3 हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने ताहुक्मे सानी रिंग रोड अथॉरिटी को जमीन एक्वायर करने से रोक दिया। पंजाब हुकूमत रिंग रोड अथॉरिटी समेत दीगर फरीकैन को नोटिस, आइंदा समात पर जवाब तलब कर लिया गया। मौशी हालात की अबतरी से निमटने के लिए हिकमत अमली तैयार। पंजाब हुकूमत का खुद रोजगार स्कीम में कर्ज की हद 50,000 से 2,00,000 रुपए करने पर गौर। सब कमेटी में तजावीज का जायजा, 2 रोज में मंजूरी का इम्कान। अखुबत फाउंडेशन के तआवुन से 12 अरब के प्रोग्राम में अब तक 29,00,000 ग्रेजुएट्स को कर्ज फराहम किया जा चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी का शहबाज शरीफ से राबता। मुल्की सियासी सूरत हाल पर APC बुलाने पर मुशावरत। टेलीफोनिक गुफ्तगू में चेयरमैन पीपल्स पार्टी का ऑपोजिशन लीडर की सेहत पर इस्तफसार और जल्द कोरोना से निजात की दुआ। ऑपोजिशन लीडर का हाल अहवाल पूछने पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी का शुक्रिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। नवाज शरीफ ने बेनजीर की हुकूमत गिराने के लिए 10 मिलियन डॉलर पकड़े। साबिक वजीर आजम के रकम जेब में डालने पर तहरीके अदम एतमाद काम हो गई। वजीर इत्तलात पंजाब का ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में तकरीर पर रद्दे अमल। बोले ख्वाजा आसिफ वजीर आजम पर तनकीद से पहले गिरेबान में झांके, चाहे तो लक्ष्मी चौक पर मुझसे मुनाजरा कर लें। ख्वाजा आसिफ की नैब में पेश होने से माजरत। लीगी रहनुमा ने वकील की तवस्त से कौमी असम्बली सेशन के बाद पेश होने से मुतलिक आगाह कर दिया। नैब ने सीनियर पार्लियामेंटेरियन को कैंट हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट करप्शन केस से रिकॉर्ड समेत 3 जुलाई को दोबारा तलब कर लिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से MNA चौधरी मोनस इलाही की मुलाकात। इत्तेहादी जमातों के तालुकात समेत दीगर अमूर पर बातचीत की गई। मुलाकात में मिलजुल कर काम, मुल्क और पंजाब की तरक्की के लिए काम करने पर इत्तेफाक किया गया। गवर्नर पंजाब ने HSN कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मंजूरी दे दी। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर बोर्ड के नए सदर मुकर्रर। नए बोर्ड में सेक्रेटरी खजाना और प्रिंसिपल कॉलेज भी शामिल हैं। 22 में से 16 मेंबरान नॉन ऑफिशियल्स होंगे। पंजाब हुकूमत के 3 आला अफसरान के तबादले। स्पेशल सेक्रेटरी महकमा स्कूल एजुकेशन मिर्जा नसीर इनायत को OSD बना दिया गया। सुहेल शहजाद महकमा हायर एजुकेशन से स्पेशल सेक्रेटरी ऑपरेशन महकमा स्कूल एजुकेशन मुकर्रर। मोहम्मद नईम गौस को स्पेशल सेक्रेटरी महकमा हायर एजुकेशन तैनात कर दिया गया। लाहौर पुलिस के शहदा के लवाहिकीन में इमदादी चेक्स की तकसीम। CCPO ने दौरान सर्विस वफात वाले अहलकारों के अहले खाना को भी इमदादी रकूम के चेक्स दिए। CCPO की शहदा और मरहूम अहलकारों के खानदानों को आइंदा भी हर मुमकिन तआवुन की यकीन दहानी। कुल मसालिक उलमा बोर्ड की अपील पर आज यौमे सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु मनाने का एहतमाम। जामिया मस्जिद कुबरा न्यू समनाबाद में मौलाना आसिफ मखदूम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से की सीरत और किरदार और गवर्नर पंजाब ने HSN कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मंजूरी दे दी। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर बोर्ड के नए सदर मुकर्रर। नए बोर्ड में सेक्रेटरी खजाना और प्रिंसिपल कॉलेज भी शामिल हैं। 22 में से 16 मेंबरान नॉन ऑफिशियल्स होंगे। पंजाब हुकूमत के 3 आला अफसरान के तबादले। स्पेशल सेक्रेटरी महकमा स्कूल एजुकेशन मिर्जा नसीर इनायत को OSD बना दिया गया। सुहेल शहजाद महकमा हायर एजुकेशन से स्पेशल सेक्रेटरी ऑपरेशन महकमा स्कूल एजुकेशन मुकर्रर। मोहम्मद नईम गौस को स्पेशल सेक्रेटरी महकमा हायर एजुकेशन तैनात कर दिया गया। लाहौर पुलिस के शहदा के लवाहिकीन में इमदादी चेक्स की तकसीम। CCPO ने दौरान सर्विस वफात वाले अहलकारों के अहले खाना को भी इमदादी रकूम के चेक्स दिए। CCPO की शहदा और मरहूम अहलकारों के खानदानों को आइंदा भी हर मुमकिन तआवुन की यकीन दहानी। कुल मसालिक उलमा बोर्ड की अपील पर आज यौमे सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु मनाने का एहतमाम।
जामिया मस्जिद कुबरा न्यू समनाबाद में मौलाना आसिम मखदूम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हों से की सीरत और किरदार और पाकिस्तानी दस्ते की 7 गेम्स में बेहतरीन कारकर्दगी पर हुकूमत का खिराज तहसीन। 132 मेडलिस्ट खिलाड़ियों को इनाम से नवाजने का फैसला। स्पोर्ट्स बोर्ड ने पंजाब ने वजीर आला को समरी इरसाल कर दी।